हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएलसी, दैट इज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर चैप्टर जो है वो देखने वाले हैं, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एज़ पर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। और इसमें से दो या तीन ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकें। सो ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसे प्रिपेयर करने में भी आपको बहुत ही कम समय लगेगा। एक बार आप प्रॉपरली इसे समझ जाए तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ पीएलसी? बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल क्या होता है कि हम ऑटोमेशन के लिए जो भी लॉजिक यूज़ करते हैं, मतलब प्रोग्राम फीड करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। मतलब जिसके थ्रू हम प्रोग्राम फीड करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स रहते हैं जिसको हम अपने हिसाब से प्रोग्राम्स कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है हमें आउटपुट मिलता है। सो बेसिकली पीएलसी क्या होता है? पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। दे आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल द ऑटोमेटेड सिस्टम इन इंडस्ट्रीज। ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आपके घर में जो एसी होगा, इन्वर्टर एसी बोलते हैं आजकल, तो उसमें क्या होता है कि एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जो मतलब आपके रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको हीट चाहिए या कूलनेस चाहिए, उस हिसाब से वो एडजस्ट होके अपने आप जो है ठंडा या गर्म करता है रूम को। विंटर के डेज़ में वो गर्म करता है और समर के डेज़ में वो कूलिंग देता है। सो उसे कैसे पता चलता है? तो उसको, उसके पीछे जो है लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क करता है, जो टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच आर नाउ रिप्लेसिंग हार्ड वायर्ड लॉजिक रिलेज ऑफ अ लार्ज स्केल। सो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स अभी ऑटोमेटेड के ज़माने में ये बहुत ही यूज़ हो रहा है, और पुराने जो हार्ड वायर्ड लॉजिक रिलेज है वो आजकल बहुत ही कम यूज़ हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज रिले डिवाइस कंपोनेंट्स। रिले डिवाइस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो स्विचेस, रिलेज, काउंटर्स, टाइमर्स। अब इन सारे जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्विचेस। तो स्विच क्या है? स्विच इज आइदर अ डिवाइस दैट आइदर ओपन्स और क्लोजेज अ सर्किट। ऑल दो देर आर न्यूमरस टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ स्विचेस, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो बेसिकली स्विचेस मतलब क्या है? जो ओपन या क्लोज करता है सर्किट को उसे हम बोलते हैं स्विचेस। ओके, सो हम देख लेते हैं। पहले है लॉकिंग, नॉट लॉकिंग, नॉन लॉकिंग स्विचेस। ये हम बाद में थियोरी देखते हैं, पहले समझ लेते क्या होता है। तो नॉन लॉकिंग स्विचेस और लॉकिंग स्विचेस क्या है देख सकते हैं आप। लॉकिंग स्विच मतलब एक बार आपने चालू कर दिया तो वो चालू ही रहेगा, या बंद कर दिया तो बंद ही रहेगा, उसके सर्किट में जो है कोई भी चेंज फिर नहीं आएगा, उसको बोलते हैं लॉकिंग स्विच। और नॉन लॉकिंग स्विच मतलब जैसे ही आपने पोजीशन छोड़ दिया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, उसको कहते हैं नॉन लॉकिंग स्विच। मतलब सर्किट में कोई भी चेंजेस पॉसिबल है उसे कहेंगे नॉन लॉकिंग स्विच। देन नेक्स्ट इज नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज स्विच। मतलब जो नॉर्मली ओपन, मतलब इनिशियली जो ओपन पोजीशन में रहता है उसे कहते हैं नॉर्मली ओपन स्विच, और जो नॉर्मली क्लोज रहता है उसे कहेंगे नॉर्मली क्लोज स्विच। देन नेक्स्ट इज एसपीबीटी, मल्टीपल थ्रो स्विच और मल्टीपल थ्रो स्विच। मल्टीपल थ्रो स्विच मतलब एक ही स्विच से अगर आपको दो कराना हो काम, मतलब एक स्विच से आपको एक बार अलग काम कराना हो और एक स्विच से वही स्विच से आपको दूसरी बार अलग काम कराना हो, तो उसे कहते हैं मल्टीपल थ्रो स्विच। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल पोल स्विच। मल्टीपल पोल स्विच मतलब दो स्विच होंगे और पैरेलली वो क्या करेंगे, दो काम करेंगे, उसको बोलेंगे मल्टीपल पोल स्विचेस। ओके, सो अब ये थियरी देख लेते हैं। लॉकिंग एंड नॉन लॉकिंग स्विच। अ नॉन लॉकिंग स्विच सिंपली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओके, देन नेक्स्ट नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज स्विच कैटेगरी। अ नॉर्मली ओपन स्विच कॉन्टैक्ट इज मेड बाय फिजिकली डिप्रेसिंग द स्विच मेक कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज स्विच इज ऑपरेट इन द ऑपोजिट मैनर।
ओके, तो नॉर्मली ओपन स्विच मतलब जो नॉर्मली ओपन रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट जिसका पहले से ही बना हुआ रहता है, और देन नेक्स्ट इज ऑपोजिट मैनर, क्लोज जो है उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट मैनर में काम करता है। सिंगल थ्रो एंड मल्टीपल थ्रो स्विच, सिंगल थ्रो स्विच स्विच हैज़ टू स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। देर आर सम स्विचेस दैट हैज़ थ्री स्टेट्स, अ रिलीज एंड टू ऑपरेटिंग पोजिशंस। तो किसी किसी में दो ही रहता है ऑन ऑन एंड ऑफ, और किसी किसी में दो से भी ज़्यादा मतलब तीन पोजीशंस रह सकते हैं, ऑपरेटिंग पोजीशंस। देन नेक्स्ट इज सिंगल पोल एंड मल्टीपल पोल स्विचेस। सो दिस स्विचेस ऑल हैव अ सिंगल पोल मूविंग पार्ट एंड सब्सिक्वेंटली आर कॉल्ड सिंगल पोल स्विचेस। इन ऑर्डर टू क्लोज और ब्रेक द सर्किट्स टू और मोर कॉन्टैक्ट्स एट द सेम टाइम, मल्टीपल पोल स्विचेस आर नेसेसरी। द मोस्ट वाइडली यूज मल्टीपल स्विच इज द डबल पोल स्विच। ओके, ब्रेक बिफोर मेक इंटरप्ट ट्रांसफर एंड मेक बिफोर ब्रेक कंटिन्यूटी ट्रांसफर। फॉर सम सर्किट्स कॉन्टैक्ट कैन बी मेड और ब्रोकन सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन। ओके, सो ब्रेक बिफोर मेक और मेक बिफोर ब्रेक भी एक अलग टाइप का स्विच आता है, जो मतलब ट्रांसफर, कंटिन्यूटी ट्रांसफर और इंटरप्टर ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज रिलेज। रिलेज मतलब अ स्विच हुज ऑपरेशन इज एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब रिले एक टाइप का स्विच ही होता है जिसका वर्क किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के थ्रू। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल मतलब क्या है, ये सेकेंड लाइन में आपको लिखा हुआ समझाया हुआ है। अ स्मॉल करंट पासिस थ्रू द मैग्नेट कॉजिंग द पोल टू द स्विच। मतलब एक स्मॉल करंट पासिस थ्रू द मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू एक स्मॉल करंट पास किया जाता है जिसके कारण आपका जो है वो स्विच की तरह एक्ट करता है, उसे कहते हैं रिलेज। ओके, द यूजुअली द मैग्नेट इज रोल्ड बिटवीन रेटेड बिटवीन 300 वोल्ट्स एंड अ फ्यू 100 mA तक वो रेंज उसका जा सकता है। देयरफॉर इट इज़ ऑपरेटेड एट अ वेरी लो पावर करंट एंड वोल्टेज। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप, रेटेड बिटवीन 300 वोल्ट्स और फ्यू मिली एम्पीयर लग रहा है, मतलब काफ़ी कम पावर ले रहा है वो। व्हेन अ रिले ऑपरेट्स द कॉन्टैक्ट्स डू नॉट ऑल ओपन और क्लोज इंस्टेंटेनियसली, देयर मे बी अ डिले ऑफ सेवरल मिली सेकेंड्स बिटवीन द ऑपरेशंस ऑफ टू कंडक्ट्स ऑफ द सेम रिले। तो सेम रिले के कॉन्टैक्ट और डिसकॉन्टैक्ट में वो जो है कभी बार क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तुरंत हो जाता है ऐसा नहीं है, कभी कई कई बार टाइम भी लग जाता है। देन नेक्स्ट इज काउंटर्स। काउंटर्स क्या बोला है कि काउंटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज मैकेनिकल और डिजिटल। दो टाइप के काउंटर्स रहते हैं, मैकेनिकल और रजिस्टर, सॉरी मैकेनिकल और डिजिटल। देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल काउंटर्स सच एज ओडोमीटर यूजुअली गिव रीडिंग्स एज देयर आउटपुट। तो मैकेनिकल काउंटर्स का बेस्ट एग्जांपल है ओडोमीटर। ओडोमीटर मतलब जो हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है उसे ही ओडोमीटर कहा जाता है। तो वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, मैकेनिकल काउंटर्स का। देन नेक्स्ट इज द डिजिटल काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ काउंट रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर एंड अ रिले कॉन्टैक्ट। इसमें तीन चीज़ें रहती है, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और कॉन्टैक्ट। सो रजिस्टर क्या करता है इसमें कि काउंट इनपुट लेने का काम करता है। तो रजिस्टर मतलब काउंट रजिस्टर करता रहता है वो कि कितने काउंट हुए हैं। देन नेक्स्ट इज टाइमर। टाइमर मतलब एज इट्स नेम इम्प्लाइज कि वो टाइमिंग काउंट करने के पर्पस में यूज़ होता है। और जो हमें ऊपर हमने यूज़ किया था रिलेज में देख सकते हैं आप, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, कॉन्टेक्ट तीनों हैं, लेकिन एक क्लॉक इंडिविजुअल ऐड कर दिया गया है जिससे हम टाइम नोट कर सकें। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम PLC का जो है आर्किटेक्चर देखेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली 7 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये टॉपिक को ईजिली समझ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।